नमस्कार बच्चों, आज हम वितान पाठ्य पुस्तक से मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1933 को हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। द्वारा अनेक विधाओं में लेखन किया गया, जिनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, व्यंग्य संग्रह, साक्षात्कार एवं संस्मरण प्रमुख हैं। उनके द्वारा टेलीविज़न धारावाहिक हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इत्यादि का लेखन भी किया गया। प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी जी ने सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से मानवीय मूल्यों के गिरते स्तर, महानगरीय एकांकी जीवन और मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। लेखक दो पीढ़ियों के दृष्टिकोणों में आए अंतर को भी रेखांकित कर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। कथा का मार्मिक अंश तब उद्घाटित होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में स्वयं को अकेला महसूस करता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू, उनकी पत्नी, उनके तीन बेटे, एक बेटी और उनकी पत्नी का भाई भूषण तथा उनके आदर्श पुरुष किशनदा। कहानी का मुख्य पात्र यशोधर पंत गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। यद्यपि वे गंभीर स्वभाव के हैं, तथापि दफ्तर से लौटते समय अक्सर वातावरण को खुशनुमा बना लिया करते हैं। काम के प्रति निष्ठावान होने के कारण वे स्वयं अपने मातहतों के साथ देर तक कार्यालय में रुकते हैं। ये असिस्टेंट ग्रेड में एक नया लड़का आया है, चड्डा। उसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनके हाथ में बंधी पुरानी घड़ी को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब तो डिजिटल ले आइए, सस्ती मिल जाती है। यशोधर बाबू उसकी बात का जवाब यह कहकर देते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है और समय भी सही दे रही है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता और श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठौर ठिकाना न होने पर उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसा था उनका घर, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, कोशिश करने पे भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोईया बनाकर रख लिया। यहाँ नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए और वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। उनको ख्यालों में खोया हुआ देख करके चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने थोड़ा शक पकाकर अपनी शादी की तारीख बताई कि उनकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। मैनन ने फौरन हिसाब लगाया और उन्हें सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई दे दी। यशोधर जी खुश होते हुए भी झेंपे और झेंपते हुए भी खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। चड्डा उनसे पार्टी की जिद कर रहा था तो उनका यह कहना था कि ये सब गोरे साहबों के चोंचले होते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं मनाता इस तरह की पार्टी।
चड्डा के बहुत जिद करने पर उन्होंने जेब से 10 का नोट निकाल करके पार्टी के लिए दे दिया। यह हर कोई जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते थे, भले ही उनका खर्च कुछ नहीं था। इसलिए चड्डा ने उनसे कहा कि यदि रुपये 30 हों तो थोड़ा बहुत पार्टी का इंतजाम हो जाए। बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, परंतु अब पैदल जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चों का यह कहना था कि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं और यशोधर बाबू को स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी लगती थी। और कार जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोचना ही क्या। बहुत आग्रह करने पर वे चड्डा को पार्टी के लिए 20 रुपये दे देते हैं, परंतु स्वयं उस पार्टी के लिए नहीं रुकते। घर के सदस्य यशोधर बाबू से पर्याप्त बदलाव की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें व्रत आदि करने, मंदिर जाने, पूजा पाठ करने से मना करते हैं, परंतु यशोधर बाबू सभी को अनुसुना कर धार्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं। साग सब्जी खरीदकर अपने मित्रजनों से मिलजुल कर लगभग 8 बजे घर पहुँचते हैं। बीच बीच में वे अपने मानस गुरु किशनदा और उसकी सीख भरी बातों को भी याद करते चलते हैं। लेखक ने कथा के नायक यशोधर बाबू की मानसिकता का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। यशोधर बाबू के जीवन पर उसके वरिष्ठ किशनदा का गहरा प्रभाव है। यही कारण है कि उसकी मृत्यु के पश्चात भी यशोधर बाबू उसकी दी हुई शिक्षाओं का क्रमशः पालन कर रहे हैं। वह याद करता है कि आज जिस जगह ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, वहां कभी किशनदा का क्वार्टर हुआ करता था। गोल मार्केट क्षेत्र में लगाव के कारण ही यशोधर बाबू कई बार मकान शिफ्ट करने के सरकारी आदेश को ठुकरा चुके हैं। परिवार वालों को उनसे शिकायत रहती है कि वे दिल्ली में अपना कोई मकान नहीं खरीद सके। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पे मतभेद होने लगा है। इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। उनका बड़ा लड़का एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है, परंतु उसको असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी उन्हें पसंद नहीं आती। उनका कहना है कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है और बेटी भी बाहर जाकर अमेरिका जाकर पढ़ना चाहती है। उधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, परंतु जेनरेशन गैप कह करके वे अपने मन को तसल्ली दे देते हैं। और कैरियर को लेकर बच्चे यशोधर बाबू की सुनते नहीं और पत्नी बात बात पर बच्चों का पक्ष लेती है। जहां यशोधर बाबू एक सादगी पसंद मर्यादित जीवन जीने वाले हैं, वहीं उनकी पत्नी ने आधुनिकता का चोगा पहन लिया है। वह उन रीति रिवाजों को बच्चों पर थोपने की हिमायती नहीं है जिसका जबरदस्ती ही सही यशोधर बाबू के कहने पर उसने पालन किया। घरवाली बच्चों को स्वतंत्रता देने की ही पक्षधर है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोक ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है और यशोधर बाबू भी उनको अनेक विशेषणों से चिढ़ाते हैं। यशोधर बाबू क्वार्टर्स के सामने खड़े होकर के सोचते हैं कि अच्छा ना होता कि उन्होंने भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर दिया होता। परंतु फिर उन्हें ध्यान आया कि उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं गया। उनके तमाम साथियों ने अपने मकान बनवाए, परंतु किशनदा ने ऐसा नहीं किया और रिटायरमेंट के पश्चात उन्हें रहने की समस्या हुई। जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके द्वारा जिन लोगों पर उपकार किए गए थे, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि यशोधर बाबू भी ऐसा नहीं कर पाए। उस समय पश्चात वे गांव लौट गए और वहाँ 1 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो गई।
जब किसी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है। पूछने पर कि उन्हें क्या हुआ, यही कहा गया कि जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। मनोहर श्याम जोशी जी की एक लंबी कहानी है और इसका आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।